हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम। आज हम लोग शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने कि अगर आपके बच्चे भी ज़िद्दी हैं, आपका बच्चा भी शरारत करता है, तो आप अपने बच्चे को कैसे समझा सकते हैं, कैसे और किस तरीके से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर एज अ पेरेंट्स आप हस्बैंड वाइफ में कोई डिमांड होती है और आप अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए क्या एक दूसरे से ज़िद्द करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और अगर आपकी डिमांड पूरी ना हो तो आप क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं या फिर रूठ जाते हैं। ये आदत हम बड़ों में भी होती है और वो बच्चे उसी से सीखते हैं। बस बात इतनी है कि थोड़ी सी अटपटी सी खट्टी मीठी जो शरारतें होती हैं बचपन की, वो तो बच्चे ही करेंगे, वो आप नहीं कर सकते। आप अपनी जिद मनवाने के लिए ज़मीन पर लेट के ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर पटक पटक के नहीं रो सकते, क्योंकि उसका राइट तो सिर्फ हमारे बच्चों को होता है। अच्छी लगती हैं बचपन में ये जो शरारतें होती हैं, हमें हमारे बच्चों की बहुत पसंद आती हैं। बट फ्रेंड्स, अगर इन चीज़ों को स्टार्टिंग में कंट्रोल नहीं किया जाए तो फ्यूचर में जाके ये हमारे लिए एज अ पेरेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती हैं। क्योंकि कोई टाइम ऐसा होता है कि आज के टाइम में हम अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी ज़िद को पूरा करते जा रहे हैं। बच्चा थोड़ा सा रोया, थोड़ा सा गुस्सा हुआ और हमने उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना शुरू कर दिया। बच्चे के अंदर ये हैबिट बन जाती है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारी सारी बात सुन लेते हैं। और उससे भी बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि सोशली हम लोगों को ये बताते हैं कि अरे, हमारा बच्चा बहुत शैतान है, किसी की भी नहीं सुनता, और अगर इसने किसी चीज़ की एक बार ठान ली तो इसे चाहिए तो चाहिए, फिर तो ये किसी की नहीं सुनता। सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है, हाथ उठाता है, बहुत रोता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है, डर लगता है कहीं कुछ कर ना ले। अब ज़रा से बच्चे के सामने आप ये सब चीज़ें थर्ड पर्सन को सोसाइटी में बोल रहे हैं, यानी कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है आप उसे बढ़ा रहे हैं कि हाँ, अब तो बिल्कुल मैं श्योर हूँ, मैं जो बोलूँगा मेरे पेरेंट्स मेरी बात मानेंगे, क्योंकि वो मुझसे डरने लगे हैं, वो मेरे गुस्से से डरने लगे हैं, उन्हें मेरे रोने से बहुत दुख होता है। दूसरी बात, हम बच्चे को कई बार ऐसा करते हैं, कुछ पेरेंट्स तो शेकी से ये बात बोलते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा ज़िद करता है, ज़िद में अगर इसे गुस्सा आ गया तो किसी का सर फोड़ देगा सामने वाले का। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर जब बच्चा ज़िद करता है या कोई उल्टी सीधी हरकत करता है तो उसके सामने ये बोलते हैं, बहुत ख़राब हो तो तुमसे बुरा बच्चा नहीं है इस दुनिया में, तुमने तो नाक में दम कर दिया, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए हम। यानी कि इस तरीके के वर्ड्स बोलने से जो हमारा बच्चा है उसके दिमाग में एक नेगेटिविटी जो है वो आनी शुरू हो जाती है। यानी बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स तो मुझे जब भी पसंद नहीं करते हैं, उन्हें तो मेरी हर बात बुरी ही लगनी है, उन्हें तो मेरे सारे काम जो होते हैं वो बुरे ही लगते हैं, तो मैं तो यही करूँगा। यानी उसके अंदर जो है वो एक नेगेटिव फीलिंग जो है वो आनी शुरू हो जाती है। अगर फ्रेंड्स आपका बच्चा छोटा है तो आप उसकी इन आदतों को इजीली कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बड़ा होके जैसे जैसे वो धीरे धीरे समझदार होगा, ये आदतें उसके अंदर घर कर जाएंगी और वो ज़रूर कोशिश करेगा कि उसकी हर जो ज़िद है, उसका गुस्सा है, आप उसे पूरा करें। क्योंकि एक टाइम ऐसा है, आप लोग शिक अरे एक ही तो बालक है हमारे, एक ही बच्चा है, अगर हम इसकी ज़िद पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? आज वो आपसे ऐसी ज़िद पूरी कर रहा है या करवा रहा है जो आपकी रेंज में है, जो आपके समझ में है, क्योंकि वो अभी छोटा है, मतलब उसने अपने पंख अभी इतने नहीं फैलाए हैं, पर जब वो दुनिया में आगे बढ़ेगा, स्कूल में जाएगा, अपने स्कूलमेट्स जो हैं उनके साथ रहेगा, उनके पास जो चीज़ें हैं वो देख के आपसे डिमांड करेगा, और अगर आपके बस में वो नहीं हुआ तो बच्चा उन चीज़ों को पूरा करने के लिए गलत और कई बार कुछ बहुत गलत स्टेप जो है वो उठा देता है। तो इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही इस चीज़ में आदत में डाल दें कि वो ज़िद ना करें,
शरारते जो है वो करे। शरारते करना बच्चों का बिल्कुल हक है, हमारा आप जो है वो शरारते नहीं करेंगे, वो बच्चे ही करेंगे। तो वो शरारते ऐसी ना करे जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा छोटा है और वो टॉयज के लिए बहुत जिद करता है, और आप कहते हैं कि दुनिया जहान के टॉयज उसके पास है, दुनिया जहान के टॉयज है, तो आप उसकी इस हैबिट में उसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज कि जो उसके पुराने टॉयज है यानी ओपन एरिया में जो उसका खेलने वाला एरिया है वहां पर आप बस 8-10 टॉयज जो है उन्हें ओपन रखें, और जैसे ही आप नए टॉयज लाते हैं उसके पुराने टॉयज को उठाकर रखते हैं। बच्चे की जिद के अकॉर्डिंग कभी उसे टॉयज ना दिलाएं। आप बच्चे को लेके जाएं, डिसाइड कर लें कि हम इस डे में हम बेटा आपके लिए टॉयज लेने जाएंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम आपके लिए ये टॉयज लेने के लिए जाएंगे, और बच्चे को टॉयज लेने अपने साथ खुद लेके जाएं, उससे सेलेक्ट करा के लाएं, जिससे कि वो नेक्स्ट डिमांड ना करे कि ये क्यों ले आए, मुझे तो ये चाहिए था। बच्चा आपसे फिर ये कह नहीं सकता है क्योंकि वो खुद उस चीज़ को सेलेक्ट करके लाया, और उसके पुराने टॉयज को आप उठा के 1-2 महीने के लिए उसकी नज़रों से रख दे, क्योंकि उसके पास बहुत सारे बल्क में टॉयज है। और जब वो नेक्स्ट टाइम आपसे जिद करे, छोटे बच्चे हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं वो लोग, अगर आप उन्हें दूसरी एक्टिविटीज़ में एंगेज करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हमारी तरह नहीं, वो अपने दिमाग में कोई चीज़ एकदम घर करके बिठा जाते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या करें कि जब बच्चा आपका टॉय के लिए जिद कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो उस वक्त आप उसे ये कहें कि अच्छा अभी तो मार्केट में ये वाला टॉय अवेलेबल ही नहीं है, रुको तो मैं फ़ोन करती हूँ, अभी पूछती हूँ शॉपकीपर भैया से कि ये मार्केट में है या नहीं है। इस तरीके से आप बच्चे को, अच्छा अभी तो आपका एक वो वाला टॉय था वो तो हमें मिल ही नहीं रहा है इतने दिनों से घर में, चलो पहले उसे ढूंढते हैं। अब बच्चा जो है वो 1-1.5 महीने उस टॉय से दूर है, यानी कि उसे उसके साथ खेलने की जो क्यूरोसिटी होगी वो दोबारा से जनरेट हो चुकी होगी, वो उससे उतने ही इंटरेस्ट से खेलेगा, इवन ज़्यादा, क्योंकि उस टॉय के साथ वो पहले से भी फैमिलियर है। तो बच्चे का जो दिमाग है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करे जब भी आपका बच्चा जिद करता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में उसे किसी ऐसी चीज़ की जिद कर ली जो अभी आप नहीं खरीद सकते। एक एग्जाम्पल मैं आपको सेट करके बताती हूँ कि अभी जो मेरा ही बेटा है उसने 2-3 दिन पहले हम लोग मार्केट से आ रहे थे, उसकी तबीयत सही नहीं थी, डॉक्टर के पास से एंड ही आस्क फॉर कि मम्मा मुझे वाटरमेलन लेना है, अभी लेना, सामने शॉप पे मुझे लेना है। घर ले आए उसे, उसका कॉन्टिन्यूस जो जिद थी वो चलती रही कि मुझे वाटरमेलन लेना है, मुझे वाटरमेलन लेना है। मैंने उसे अपने पास बिठाया, मैंने बोला बेटा वो वाटरमेलन जो था वो ओरिजिनल नहीं था, वो डमी वाटरमेलन था, थर्माकोल का वाटरमेलन था, शॉपकीपर अंकल ने उसे सजाने के लिए वहाँ रखा हुआ था, जिससे ये पता चले कि उनकी शॉप पर इतने सुंदर सुंदर फ्रूट्स जो हैं वो मिलते हैं। अभी क्योंकि वाटरमेलन का मौसम नहीं है तो वाटरमेलन कहाँ से आएगा, अभी आपको खाना है आप गुआवा खा सकते हो, आप पॉमीग्रेनेट खा सकते हो, और जो उनके पास जो फ्रूट्स है आप वो खा सकते हो, बट वाटरमेलन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो थोड़े कब आता है वाटरमेलन, मैंने उसे बता दिया कि वाटरमेलन जो है आपको मई जून में जो है वो मिलता है। अब उसे मई जून में नहीं पता, इज जस्ट 3 ईयर ओल्ड। थोड़े टाइम 1-2 घंटे बाद वो फिर वो यही बोलने लगा कि मम्मा लगता है वाटरमेलन का मौसम आ गया। अब वाटरमेलन मिल गया होगा शॉपकीपर अंकल की शॉप पे, तो उसे फिर से ये चीज़ समझाई गई कि वो तो बहुत दिनों बाद मौसम आता है, अभी तो बारिश का मौसम है, इस मौसम में वो फ्रूट नहीं मिलता, हम दूसरा फ्रूट खाएंगे, अभी हम पॉमीग्रेनेट खाएंगे। अभी मतलब बच्चों को उसके साथ पॉमीग्रेनेट जो है छीनने काटने बैठ गए कि आप ये करो मैं ये करती हूँ, यानी बच्चे का जो दिमाग है उस जिद को डाइवर्ट करे,
क्योंकि घर वाले ऐसे होते हैं कि आप जो है आप कोशिश करेंगी, बिल्कुल करेंगे आप एज ए पेरेंट कि आपका बच्चा जो है उसकी इन अननेसेसरी जिद को आप पूरा नहीं करते हैं। बट घर में और भी बड़े होते हैं जो ये कहते हैं कि अरे बच्चा रो रहा है उसकी सुनो। जब मेरा बेटा ये जिद कर रहा था तो उसके बाबा ने ये कहा कि हम लेके चलते हैं चलो इसे मार्केट, हम इसे वाटरमेलन दिला के लाते, तुम लोग दिला के नहीं लाए हो। तो ये चीज़ हमारे बड़े करते हैं कि अगर एक व्यक्ति किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है तो दूसरा एग्री करके उसे उस वक्त वो चीज़ दे देता है, यानी रोने का असर उसका जो है वो किसी ना किसी पे पड़ रहा है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर करें, बच्चे का जो दिमाग है उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करें जब भी आपका बच्चा इस तरीके से जिद करता है। आप बार बार ये ना बोल के कि बच्चा ज़िद्दी है, अब हम तुमसे प्यार नहीं करते, तुम किसी की नहीं सुनते हो। आप उसकी तारीफ़ करें। जिस वक्त आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, वो रो रहा है, उसे मनाने के दो तरीके। आप कंटिन्यूसली यही बोलते रहें, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मम्मा की सारी बातें मानती है, अरे आप रो रहे, मतलब कंटिन्यूसली आप ये चीज़ उसके सामने रिपीट करें रिपीट करें। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, आपको सारी चीज़ें तो दिलाती है। और उसे वैलिड रीज़न बताएं जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए उस वक्त उस चीज़ को आपसे ना जिद करे। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें जो आपको दिलानी ही दिलानी पड़ेगी, तो इस एनर्जी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है आपको चॉकलेट खानी है तो उसके लिए फटाफट अपना जो होमवर्क है आज वो लर्न करके मुझे सुना दो, फटाफट सुना दो, आपको चॉकलेट मिल जाएगी। अगर आप इस तरीके से शर्त जो है वो बच्चों के सामने रखना शुरू कर देंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि पेरेंट्स मेरी जिद जब पूरी करेंगे, जब मैं उनकी जिद पूरी करूँगा, तो बच्चे की जो आदत है वो भी ऑब्वियसली धीरे धीरे इससे भी कम होनी शुरू हो जाती है कि अगर मैं जिद करूँगा तो ये लोग रिवर्स में मुझसे कुछ जिद करेंगे, तो वो उस चीज़ को और धीरे धीरे जो है कम कर देता है। आप बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ करें, उसके सामने यही बोलें कि वो एक अच्छा बच्चा है, वो जिद कर रहा है, पर आप मेरा बेटा बिल्कुल जिद नहीं करता, मेरा बच्चा बिल्कुल भी जिद नहीं करता, वो तो बहुत अच्छा है। कॉन्टिन्यूसली ये वर्ड्स उसके सामने बोले। सोशली चार लोगों के सामने आप ये बात बार बार ना रिपीट करें, बहुत ज़िद्दी है, किसी की नहीं सुनता, हमें इसकी हर बात जो है वो माननी पड़ती है। आप बच्चे का माइंड जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि बच्चा किसी पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा ज़िद करता है तो उसके लिए आप पहले से उस टाइम की कुछ और प्लानिंग डिसाइड कर लें। आप बच्चे को पार्क में खिलाने ले जा सकती हैं, बच्चे के फेवरेट टॉय के साथ उस वक्त खेल सकते हैं, बच्चे का फेवरेट कार्टून आप उसके साथ बैठकर देख सकती हैं, बच्चे की फेवरेट स्टोरी आप उसे उस वक्त सुना सकती हैं। यानी कि जब आपको लगता है इस टाइम पर्टिकुलर टाइम हमारा बच्चा ज़्यादा जिद करता है तो उसका माइंड जो है उस वक्त किसी और चीज़ों में आप एंगेज कर सकती हैं। बाकी दिन में अगर जिद करता है तो ट्राई टू रीडायरेक्ट हिज और हर माइंड। आप यही कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा जो है वो प्रैक्टिस में आ जाएगा कि उसके घर वाले जो है उसकी चीज़ों को इग्नोर करें। अब इग्नोर का एक ये भी तरीका होता है कि अगर आपका बच्चा बहुत तेज तेज रोने लगे तो आप उससे बोले बहुत अच्छे लग रहे हो रोने में, कितना बढ़िया रोते हो, अरे वाह, थोड़ा और तेज रो के दिखाना, भी पड़ोस वाले घर तक आवाज़ ही नहीं जा रही है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि आप जिद कर रहे हो। इस तरीके से जो आपका बच्चा है वो रोते रोते वो ऐसा हो सकता है कि वो हंसना शुरू कर दे, और आप कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ को अपने अंदर हैबिट में लाएंगे तो आपके बच्चे की भी हैबिट में ये चीज़ आ जाएगी कि मेरे पेरेंट्स मेरी अननेसेसरली अनलिमिटेड डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते। तो आप बच्चे का दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करें, आप बच्चे की तारीफ करें इंस्टेड ऑफ दूसरों के सामने कॉन्टिन्यूसली ये बोलना कि मेरा बच्चा मेरी एक भी बात नहीं सुनता। आप बच्चे के जो पुराने टॉयज हैं उन्हें उठाकर रख सकती हैं, और जब वो किसी चीज़ की जिद करता है तो उन टॉयज को उसके सामने वापस लाके खिलवाने की उससे कोशिश कर सकती हैं। अगर आपका बच्चा जो है वो अननेसेसरी ऐसी डिमांड है जो आपको अभी पूरी करनी ही पड़ेगी तो उसके लिए आप टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रख दीजिए। आप अपनी डिमांड जो है वो बच्चे के सामने रख दीजिए कि आप मैं आपकी डिमांड जब पूरी करूंगी, जब आप मेरी डिमांड पूरी करेंगे। और आप अपने बच्चे को कॉन्टिन्यूसली ये कहते रहें कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं, आप उसकी सारी चीज़ें पूरी करते हो बट जो ज़रूरी हैं, और उस बच्चे को आप उसकी जो डिमांड नहीं मान रहे हैं उसे ना मानने का
वैलिड और सेटिस्फाइंग रीजन दें कि आप क्यों नहीं मान रहे हैं, उसे जरूर समझाएं। बार बार वही चीज आप बच्चे को समझाएं, बच्चे को गुस्से से नहीं, बच्चे को प्यार से समझाएं, आपका बच्चा जरूर जो है उन चीजों को समझना शुरू कर देगा। और सबसे जरूरी चीज, फैमिली के सारे मेंबर्स को बता दें कि अगर एक व्यक्ति किसी चीज के लिए मना कर रहा है तो बाकी इंसान चुपके से या कैसे भी उसकी उस नीड को, उस अननेसेसरी डिमांड को, जिद को, शरारत को मोटिवेट ना करें। ये बात आप अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स को अच्छे से समझा दें, क्योंकि बच्चा सबका है, सब उससे बहुत प्यार करते हैं, और अगर उसके अंदर अच्छी आदतें जो है वो डेवलप हो जाएंगी तो उसका जो अप्रेजल है वो सभी लोगों को मिलेगा। और बच्चे होते हैं शरारतें करने के लिए, तो उनकी जो शरारतें होती हैं उनमें आप उनके साथ शरारत करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो ऑब्वियस है आपका बच्चा बिल्कुल कभी कोई ऐसी अननेसेसरी शरारत नहीं करेगा जो आपके लिए दुखदाई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।